recording this video at morning around 5:30 AM and we are all set to leave for Gurudongmar Lake, our ultimate destination. And boys are literally pumped up क्योंकि आज हम लोग almost around 17,800 feet altitude पे उठने वाले हैं, जो कि पहले कभी नहीं उठे हैं इससे पहले जितने भी ट्रिप्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। राइट नाउ वी आर हियर एट लाचेन। पूरा पहाड़ का व्यू, ऊपर थोड़ा थोड़ा करके स्नो गिरा है, बट टेम्परेचर लुक्स ऑल गुड टू लीव फॉर गुरुदम्बर। ये सामने जितना भी गाड़ी आप लोग देख रहे हो सब जा रहे हैं टुवर्ड्स गुरुदम्बर और काला पत्थर। सभी लोग एक साथ निकल रहे हैं। बॉयज वी आर ऑलवेज लेट बेबी। नहीं आज हम लोग बहुत जल्दी निकले हैं। और ये सूर्या भाई हम लोग को लेके जा रहे हैं। हेलो यो, क्या कर रहे हैं यार आगे? On the way to गुरुदम्बर, let me share 2-3 important points with you people. First, अगर आप गुरुदम्बर के लिए निकल रहे हो तो कोशिश करो जितना हो सके जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास बफर टाइम रहेगा तो आप लोगों को ही एडवांटेज होगा। सेकेंड, लाचेन इज ए पावर कट प्रोन एरिया, तो साथ में जितना हो सके एक्स्ट्रा पावर बैंक रखो, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। थर्ड, एज पर माई एक्सपीरियंस जियो एंड एयरटेल इंटरनेट वर्क्स वेरी वेल एट लाचेन टाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों के पास होटल पहले से बुक नहीं है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ड्राइवर भाई साहब जहाँ पे लेके जाएगा, जिस भी होटल पे रुकवाएगा वहाँ पे आप बेझिझक रुक सकते हो। रेड रोडोडेंड्रॉन्स तो आप लोग बहुत देखे, ये देखिए वायलेट कलर का रोडोडेंड्रॉन, ये भी बहुत खूबसूरत दिखने में है। पूरा वैली भरा हुआ है, इधर भी है उधर भी है। तो अभी हम लोग थंगू वैली से थोड़ा आगे रुके हैं, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने के लिए, और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी मेरे को ये ऑल्टीट्यूड दिखा, इट वॉज अराउंड 12,500 फीट, तो और भी 5,000 फीट हम लोगों को चढ़ना है टू एवल गुरुदम्बर। सो अभी नाश्ता पानी हो गया, अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स गुरुदम्बर। थंगू वैली पे रुकना है क्या? नहीं, थंगू वैली तो सामने ही है। तो फ्यू मिनट्स बिफोर संजय वाज एक्चुअली डिस्कसिंग कि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कहाँ पे हम लोग रुके थे और कहाँ हम लोग हम लोग को रोका गया था क्योंकि आगे तक रास्ता नहीं था। तो वो वाला फुटेज अगर नहीं देखे तो वो देख लो। पहली बार तो सोचा नहीं था कि ऊपर जाने से इतना पहले हम लोगों को इतना सारा बर्फ़ मिलेगा। आप देख सकते हो पूरा पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है, आगे बहुत लंबा लाइन है। भैया सब लोग इधर से वापस आ रहे हैं, ऊपर सब बंद है? पूरा बंद है। कितने दूर तक जा पाए आप लोग? हाफ किलोमीटर। यहीं पे जो व्यू है सब इधर पे रुक जा रहे हैं। और गुरुदम्बर लास्ट 3 दिन से ऐसे बंद है जी, गुरुदम्बर तो चांस नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना गुरुदम्बर का कोई चांसेस नहीं है, यू कैन से फॉर नेक्स्ट 2 डेज। सो टुडे इज 3rd of April। अगर कोई प्लान बना रहा है टिल 5th 6th 7th April तक तो थोड़ा बहुत 50-50 हो जाएगा। आपके ऊपर है कि आप रिस्क लोगे कि नहीं। तो हम लोगों को ऐसा असम्पशन था कि गुरुदम्बर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कल बहुत बारिश हुआ था, और वही लग रहा है सच होने वाला है। लुक एट द एंटायर वैली व्यू, कितना सुंदर लग रहा है ना। आगे वो जो रास्ता दिख रहा है उधर से हम लोग आगे गुरुदम्बर तक जाएंगे। या काइंड ऑफ, और वो जो वैली का व्यू हो रहा है ऊपर एकदम पहाड़ से, और इधर भी पहाड़ है और नीचे रास्ता है। इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू नुब्रा वैली एट लद्दाख। इधर से गुरुदोम्बर और 8 किलोमीटर है। उससे पहले जो स्नो पिक्स का व्यू आ रहा है, ओ भाई देखो देखो पीछे का बैकग्राउंड का व्यू। वैसे देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट लेवल ट्रिप। जो लास्ट बार नहीं कर पाए, ये बार पूरा पैसा वसूल ट्रिप होगा। तो मंजिल से और हम लोग सिर्फ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स टू गुरुदोम्बर। जस्ट कैंट वेट। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एंड इस बार हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑन अ थर्ड अटेम्प्ट वी हैव कॉन्कर्ड द माइटी गुरुदोम्बर। पूरा पीछे मेरा लेक का व्यू दिख रहा है, एंड आई जस्ट कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ हैप्पी आई एम। थर्ड अटेम्प्ट पे हम लोगों को सक्सेस मिला है भाई। देखो वहां से पूरा वहां तक। एंड वी आर हियर एट 17,800 फीट ऑल्टीट्यूड। पूरा पहाड़ों का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। लोग आगे पैदल चल के वहां तक जा रहे हैं। चलो वहां जाना है क्या? उधर उधर से पैनोरामा शॉट लेना है। और जो व्यू आप लोगों को दिख रहा है, ये लेक का आप बोल सकते हो 1/4 है। ये पहाड़ों का वो साइड और भी 3/4 है इसका, सिर्फ 1/4 आप लोगों को दिखता है। अभी क्लाउड डिपोजिशन नहीं है, बैकग्राउंड का स्टनिंग व्यू आ रहा है। दिस प्लेस इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर गुरु पद्मा संभवा। वहाँ से इसका नाम हुआ है गुरुदोम्बर। एंड दिस प्लेस इज एक्चुअली सेक्रेड अमोंग सिक्स एंड बुद्धिस्ट। एंड देख सकते हो पूरा बाइकर्स लोग आके यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पहुँच के बहुत कुछ करने को मन कर रहा है, बट भलाई इसमें ही है। आप चुपचाप बैठ के इसका मज़ा लो, क्योंकि जितना आप बात करोगे, जितना आप एक्टिविटीज़ करोगे ना, उतना आपका सांस फूलने का चांसेस है। मैं तो अभी ठीक हूँ, बट मेरे को दिखा बहुत लोग उल्टी कर रहे हैं, सांस उसका फूल गया है। चुपचाप ऐसा बैठ भी सकते हो, या वहाँ जाके व्यू का मज़ा भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू। अच्छा, टू और अटर सरप्राइज, वो जो पीक तब ढका हुआ था ना बादलों से, अभी पूरा खुल गया है। पूरा एंड टू एंड आपको दिखेगा, देख लो। वो वाला पीक, वाइट वाला। अभी प्लान कर रहे हैं थोड़ा बहुत नीचे जाने के लिए। तो ऊपर वहाँ से हम लोग एकदम बिलो पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है, इधर जा सकते हैं पर जाने का मन नहीं है। लोग वहाँ तक तो गए हैं। एंड दिस इज द प्रॉपर फ्रेश वाटर लेक एंड one of the world's highest altitude lake, and India में it's like a second highest altitude lake। भाई कहाँ से नीचे उतर के हम लोग आगे जा रहे हैं वो पीक का प्रॉपर व्यू लेने के लिए। काइंड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन हैपेंड। ये एक रेयर क्लाउड फॉर्मेशन है, जनरली नवंबर में होता है पहाड़ों में। आगे व्यू कैसा है? गुड। ऊपर से बेटर है। ऊपर से ना, ऊपर का व्यू बेटर है। बेटर है, अच्छा। तो ये रहा गुरुदोम्बर का एकदम ठंडा ठंडा पानी। हाँ, लोग आगे भी जा रहे हैं उधर का व्यू लेने के लिए, पर ये जो व्यू है भाई, ये जो क्लाउड फॉर्मेशन, ब्लू स्काई, क्लियर कट व्यू, और वो स्नो पिक्स, दिस आर ऑल लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। पानी बहुत ही क्लीन है, एंड द सेम टाइम फ्रेश वाटर लेक है, तो हम इसको पी भी सकते हैं, राइट। So we came to the almost end point. You can see the entire color of the lake. लोग तो वहाँ तक गए हैं फोटो उठाने के लिए। आगे जाना है कि नहीं? ब्लू, टर्कोइज ब्लू, लाइट ब्लू, प्रॉपर शेड आपको डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। संभल के, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा ऊपर से ना देख के नीचे उतर के ये एकदम एंड पे आओ, आपको बर्फ भी मिलेगा, पिक्स भी दिखेगा और ये ब्लू कलर का शेड भी दिखेगा। दैट इज क्वाइट फैसिनेटिंग एंड आई एम रियली एक्स्टैटिक, ओवर द मून, ऑन क्लाउड नाइन, व्हाटएवर यू कैन से। या ये तो करना था, आज जगह पूरा हुआ। थैंक्स टू दिस अमेजिंग पीपल कि थर्ड अटेम्प्ट में भी हम लोग कर पाए, नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दो अटेम्प्ट फेल हो गए हाल छोड़ देते हैं, बट हम लोगों ने हाल छोड़ा नहीं, आप लोगों के लिए प्रॉपर व्यू लेके आ रहा है। उसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, तो ठोको लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वॉट एवर यू फील। आई हैव नेवर सीन सो मेनी सेट्स ऑफ, I'm fumbling literally, but this is amazing. Like we can see these grand peaks and itna sundar view aur barf ke sath, like this is amazing. This is mind blowing. Like and ऊपर से वो clouds, like ये clouds तो मतलब बहुत कम लोगों को, नसीब वालों को ऐसा दिखने को मिलता है। And हम लोग को ये भी टारगेट है, मेरे पहले जितना भी लोग आए हैं ना उस उन लोगों को ये सारा फोटो में भेजूंगा और let them feel jealous, you know. This is amazing. This is amazing. This is breathtaking. I'm literally fumbling. मेरा वॉइस अटक जा रहा है बट स्टिल आई एम टॉकिंग। सो वी आर अबाउट टू डू अनदर फैसिनेटिंग थिंग। हम लोग रंग रंग से ऐसे आम खरीद के लेके आए हैं और ऐसे गुरुदम्बर पे हम लोग आम खाएंगे। yes. आम का जूस, सीजन का पहला आम, सीजन का पहला आम गुरुदम्बर। यार बहुत मीठा होगा लग रहा है। yes. वाओ, पूरा रेड मैंगो। कैसा है बोल, फर्स्ट रिव्यू? टू गुड। हम लोग के उस साइड का कलकत्ते के जैसा है एकदम एकदम। You can see the proper reflection on the blue water. So abhi ke liye bye bye Gurudongmar. See you soon in some near future. Let's go. After visiting Gurudongmar, our next stop is Kala Pathar via Chopta Valley, which is only 30 km from Lachen town. Please remember one thing, that most of the travel agents offer only Gurudongmar Lake in their travel itinerary, as visiting Kala Pathar will cost you extra 3000 rupees. अगर ड्राइवर को अलग से वो आप पे कर रहे हो वो डेफिनेटली लेके जाएगा, बट याद रखना ड्राइवर कभी भी 3000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द फिक्स रेट गिवन बाय सिक्किम टैक्सी एसोसिएशन। तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाओ। नाउ देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन काला पत्थर एंड जीरो पॉइंट। मैं पर्सनली काला पत्थर को थोड़ा आगे रखूँगा इन टर्म्स ऑफ बोथ हाई वॉल्यूम स्नो एंड लेस ट्रैफिक। तो वो आपके ऊपर है कि ये दोनों में से किसको चॉइस करना है। अगर आपका शेड्यूल टाइट हो, अगर समय है तो दोनों को विजिट करो, अगर नहीं है तो आई विल प्रेफर काला पत्थर ओवर जीरो पॉइंट। So this is our final destination for the day at Lachen. That is काला पत्थर। नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि जगह का नाम ऐसा क्यों हुआ। वैसे एक बात बताओ, ड्राइवर भाई साहब बोल रहे थे पहले काला पत्थर आने के लिए, बट मेरा एडवाइस लोगे तो आई विल सजेस्ट कि पहले गुरुदम्बर लेक जाओ, वहाँ पे एंजॉय करो, फिर काला पत्थर आओ। विल बी कवरिंग इन मोर एफिशिएंट है, क्योंकि गुरुदम्बर में कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, उसी के लिए आप गुरुदम्बर पहले जाओ, उसके बाद आओ ये काला पत्थर पे। व्यू देखो कितना बढ़िया है। तो उधर एंड में जाने के लिए आपको बीच में ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ेगा। मेरा तो वाटरप्रूफ शू है, कोई इशू नहीं होगा। चलो 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 चलो, गो गो गो। हो गया। ऊपर भयंकर वाला क्लाउड पोल्यूशन हो रहा है, लगता है और भी बर्फ़ गिरने वाला है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन। सच बताऊँ तो गुरुदोंगमर से कंपेयर करूँ तो इसका रूट बहुत अच्छा है, ठीक है। गुरुदोंगमर का रूट थोड़ा बहुत ख़राब है। Nubra Lake was a trailer, then the entire picture will get completed here at Kala Pathar. And बोल रहा है कि मैं एंड तक तो ये जगह पे ऐसा ही रहता है। हम लोग का गाड़ी है वहाँ पे, वहाँ से पैदल चलते हुए इधर तक आए। पकड़, ठीक है? कैच। ओ So Sanjay is about to slide from the topmost point. The video is on. You can slide. Aja, aja. बहुत देर यहाँ पे रुका, 30 मिनट के ऊपर। अभी हाथ पैर पूरा नम हो गया, ठीक है। जाना है उधर, कभी भी वेदर चेंज हो सकता है पहाड़ों में, और स्नोफॉल तो आज भी होने वाला है। ऊपर शायद स्नोफॉल हो भी रहा है ऑन द टॉप, और इधर ये लोगों का फोटो बॉम्बिंग का सेशन खत्म ही नहीं होता है। सब लेके आ गया तुम? सो रीच लाचेन ऑन टाइम एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी लाचुंग। यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस है, बट आई मस्ट से दैट टुडे वाज रियली अ प्रोडक्टिव डे बिकॉज आवर ड्रीम ऑफ विजिटिंग गुरुदोंगमर लेक गॉट फुलफिल्ड टुडे। वाह, आई जस्ट कैन बिलीव दैट इट हैपेंड एक्चुअली। सो विद दैट सर, आज के लिए व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस एंटायर गुरुदोंगमर एंड काला पत्थर व्लॉग। And if you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer, to get notified about our upcoming travel vlogs. Besides, you can DM your queries on Instagram as well as I am Roy92. Till then, goodbye, take care, see you soon. Love you all.